जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जब मुद्दा छिड़ा ना तो गवर्नमेंट की नीयत साफ हुई। नीयत का मतलब होता है कि मनसा, और जब मनसा साफ होती है तो उनको औकात पता चला कि हमारे कितने युवा बेरोजगार हैं। जब अभी ट्विटर कैंपेन चलाए थे, ट्विटर कैंपेन से गवर्नमेंट को ये पता चला कि हमें अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाते तो हमारी ये युवा पीढ़ी जो है वो हमें कुचल के रख देगी। अभी मैं इसी पे बात करूंगा कि इंडियन नेवी के अंतर्गत SSR, AA और MR की वैकेंसीज बहुत दिनों से नहीं आई हुई थी। इसके उन बच्चों के लिए जिनका इस वैकेंसीज का वेट करे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उमर उजाला, जो आपको पता होगा कि भारत के सबसे नंबर वन रैंक पे आने वाले न्यूज़पेपर है, इनने ये आर्टिकल आज ही छापी है। और ये आर्टिकल क्यों छापी मैं बताता हूँ। जब बच्चों का ट्विटर कैंपेन चला था, ट्विटर कैंपेन में ये जब कि कोई भी मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें कोई मीडिया नहीं रख सकी, तो उमर उजाला ने ये हमारी रिपोर्ट रेगुलेशन के लिए डायरेक्टली नेवी की जो एकार्य जो हमारे डिपार्टमेंट है उनसे जाके राय लिया कि सर ये कैसा हो सकता है और ये क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से करीबन 8 या 9 दिन पहले, अमर उजाला ने एक चीज़ और रिपोर्ट जारी की थी SSGD को लेकर, जो बहुत अच्छा हुआ कि आज SSGD के निर्णय लिया गया। तो अमर उजाला ने डायरेक्टली इंडियन नेवी से जाके ये बात की, जिसमें सारी डिटेल्स दिया गया कि ये ओपन रैली ली जाने वाली है, वो भी आपको दिख रहा होगा 2 हफ्ते के अंतर्गत। तो इंडिया के किसी भी कोने से होंगे तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको बताया हूँ कि इसमें किन बच्चों को प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन बच्चे की एज क्राइटेरिया कितनी ली जाएगी। सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आपकी हाइट क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका एज क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे, अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कि ये सब जितने भी MR SSR AA का एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, तो भारत का नंबर वन सर्वश्रेष्ठ बुक जो हमारा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय करिए। लिंक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ठीक है, तो जाइए बाय करिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला, किन किन बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर एज की बारे में बात करें तो 17 से लेकर 20 साल MR SSR AA मैट्रिक रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये तीनों जो पोस्ट होता है वो SSR AA 10+2 होते हैं। PCM ग्रुप या PCB ग्रुप को भी तरफ से डिपार्टमेंट, ठीक है, डाल सकते हैं अगर कोई भी फैकल्टी सबका होगा तो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिटर्न होगा, फिर फिजिकल फिटनेस होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन में मेरिट बनेगा। रिटर्न में आपको मैं बता दूं, दिख रहा होगा रिटर्न में क्या क्या आपकी डिटेल्स ली जाएगी, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिजिकल फिटनेस में 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 7 मिनट दिया जाएगा, 25 स्क्वाट्स उठक बैठक होगा, 10 पुशअप्स होंगे। हाइट 157 सेंटीमीटर बहुत ज़रूरी है तीनों पोस्ट के लिए, मिनिमम 157 सेंटीमीटर आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको मैं बात करूं कि ये एज क्राइटेरिया कब से काउंट की जाएगी, तो एज क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच आपका एज जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि यह रैली कब ली, क्यों ली जाएगी। ये रैली इसलिए ली जा रही है कि आपको पता होगा COVID-19 के कारण करीबन 2 सालों से ये दोनों तीनों रैलियां बंद थी, जो नहीं ली गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होने के कारण ये ओपन रैली कराई जा रही है, और ये ओपन रैली में क्या क्या डॉक्यूमेंट और डिटेल्स मैं दूंगा, क्या क्या लगेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको 2 से 3 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसमें सारी इसके पहले मैं वीडियोज आपको प्रॉपर दे दूंगा। तो आई होप ये सारी डिटेल्स आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चे जो इंडियन नेवी में SSR AA MR में जाना चाहते हैं, वो अपने बच्चे अपनी तैयारी को पूरा जीजान लगा दें। अब अगर तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल साइट पे लिंक दिया हुआ, तो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ और आपकी हर एक प्रॉब्लम से मैं बात करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।